रहता है कि जो एग्जिस्टिंग वोट नाम से भी जानते हैं, उस मदर ऑल को जितना ज़्यादा हम प्यूरीफाई कर सकें उतना ज़्यादा हम प्यूरीफाई करें। वॉट इज़ प्यूरिफिकेशन? प्यूरिफिकेशन का अर्थ हुआ कि इस वोटर लिस्ट में नए लोगों का नाम जोड़ पाएँ, जितने पहले से लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, अगर उनके एंट्री में किसी तरह की कोई कमी है, विसंगतियाँ हैं, खामियाँ हैं, तो उसको भी हम लोग दुरुस्त कर लें। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग जो कि अभी मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग जो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरे जगह पे चले गए हैं, या लंबे समय से एक जगह पर एबसेंट हैं, वैसे लोग एबसेंट, शिफ्ट और डेड वाले कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी जो करेक्टिव मेजर्स लिए जाने हैं, वह इस रिविजन वाले पीरियड में ले लिए जाएँ। सबसे महत्वपूर्ण होता है वैसे लोगों का नाम जोड़ना जो कि अर्हता इस वर्ष पूरा कर रहे हैं और अब 18 वर्ष के वह 1 जनवरी 2023 को हो जाएंगे, तो उनके नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएं। और सामान्य रूप से लोगों को अगर अपने एग्जिस्टिंग पते में, एग्जिस्टिंग पेरेंट्स नेम में, गार्जियन नेम में किसी तरह का अगर चेंजेस करना हो तो वो यहाँ पे फॉर्मेट के माध्यम से कर सकते हैं। इस रिविजन एक्टिविटी के प्राइमरीली 4 मेजर कंपोनेंट्स रहेंगे। पब्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, जिसका कि प्रारूप प्रकाशन आज सभी बूथ पर करवा दिया गया है। इसके पश्चात क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए पीरियड 9/11/2022 से लेकर 8/12/2022 तक रहेगा। सभी बूथों पे इस मदर रोल के पब्लिकेशन के बाद उस बूथ के अंतर्गत आने वाले सभी वोटर्स अपने नाम और उससे संबंधित डिटेल्स का अवलोकन कर सकते हैं, और उनको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है, कुछ विसंगतियां हैं, या इन जनरल अपना वो चेंज कराना चाहते हैं, अपना पुराना फोटो हटा के नया फोटो लगाना चाहते हैं, एनीथिंग जो भी वो जायज़ तरीके से चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए वह क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस अपने BLO को उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो ECI का पोर्टल है वहाँ पर भी भर दे सकते हैं। BLO वहाँ से भी प्राप्त करा के आगे उस पर इंक्वायरी प्रारंभ करा के फाइनल रिपोर्ट ERO को सबमिट करा के वो चेंजेस को फाइनलाइज करा दे सकते हैं। इसी पीरियड में 2 स्पेशल कैंपेन डेट्स को भी तय किया जाएगा। उस तिथि का निर्धारण कराकर सूचित कर दिया जाएगा। उस तिथियों को BLOs अपने अपने बूथ पर सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे, और हर व्यक्ति विशेष, हर वोटर व्यक्तिगत रूप से भी जाकर BLO के समक्ष अपनी परेशानी को उपस्थापित करवा दे सकते हैं। 26 दिसंबर तक सारे के सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज कर दिया जाना है, ताकि हम अपने फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल को 5 जनवरी 2023 को प्रॉपरली सभी जगहों पर स्थापित करा दे सकें। 12 नवंबर, 13 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर को सभी BLO अपने अपने मतदान केंद्र में विशेष अभियान दिवस को 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक उपस्थित रहेंगे और सभी दावा आपत्तियाँ प्राप्त करेंगे। दावा आपत्ति आवेदन पत्र ECI का जो पोर्टल है, NVSP और गरुड़ा ऐप तथा वोटर हेल्पलाइन नंबर पर भी ऑनलाइन दर्ज कर दे सकते हैं। आप अवगत हैं कि हमारे रांची जिले में कुल 7 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं, तमाड़, सिल्ली, खिजड़ी, रांची, हटिया, कांके तथा मांडर। इन सब विधानसभाओं में कुल मिलाकर 2,771 बूथ होते हैं, जिसमें कि 11,90,288 पुरुष वोटर्स हैं और 11,36,850 फीमेल वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर की संख्या 66 है, तो कुल मिलाकर 23,27,204 वोटर्स हैं। इसी में पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी में कुल मिलाकर 5,244 वोटर हैं, जिसमें कि स्पीच हियरिंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आने वाले 4,406 हैं, विजुअली इम्पेयर के अंतर्गत आने वाले 5,244 हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आने वाले 15,735 हैं, अदर डिसेबिलिटीज में 9,297 की संख्या है, और टोटल PWD इलेक्टर्स में 27,639 हैं। आज इसके शुभारंभ के साथ साथ स्वीप एक्टिविटीज़ के मद्देनज़र वाकैथन और साइकिल मैराथन का भी आयोजन किया गया। काफ़ी सारे यंग वोटर्स जो अभी वर्तमान में स्कूल्स में और कॉलेजेस में हैं, जो कि अगले वर्ष के लिए प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हो सकते हैं, उनके बीच में
चुनाव को लेकर प्रोत्साहन और चुनाव को लेकर जो सामान्य जानकारियां हैं उसका प्रतिपेषण अत्यंत आवश्यक होता है। हम यह उम्मीद करते हैं कि जितने भी नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वह आगे आने वाले दिनों में चुनावी प्रक्रिया में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान समर्पित करेंगे। सिर्फ अपना ही नहीं, अन्य लोगों को भी इस त्यौहार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। ये सभी दावा और आपत्ति के लिए जो प्रपत्र हैं वह निःशुल्क बीएलओस के पास उपलब्ध हैं और सभी गणमान्य नागरिकगण इसको सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से भी डायरेक्टली अपलोड कर दे सकते हैं। सभी मीडिया बंधुओं से हार्दिक अनुरोध रहेगा कि इस बहुत बड़े त्यौहार में आपकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक होती है। भारत निर्वाचन आयोग जितने भी नए इनिशिएटिव्स को प्लान करते हैं, जन जन तक उसको पहुंचाने के लिए उसको जागरण का शक्ल देने में आपकी जो भूमिका है, आपका योगदान है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि कृपया इन सारे के सारे योजनाओं का, इन सारे के सारे नए इनिशिएटिव्स का जितना हर संभव हो सके हर जगह पर हर व्यक्ति तक इसका प्रचार करने की महती कृपा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।